What's up YouTube, this is Rohit Kathiri and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जो सब्सक्राइब बटन के साथ में है, उसका फायदा होगा जब भी मैं अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा तभी आपको अपने आप चलेगा, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ उस घंटे को हिलाना ना भूले। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसके बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा भी हुआ है और साथ ही साथ मेरे पे खुद पे बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू गेट अट्रैक्टिव जो लाइन, हाउ टू रिड्यूस फेस फैट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 टिप्स, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपको फेस फैट रिड्यूस करना है वो भी हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको एक अट्रैक्टिव स्मूथ जो लाइन चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, आपको ऑल ओवर बॉडी फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑल ओवर मतलब पैरों का, हाथों का, साइड का, चेस्ट का, नेक का, फेस का। आप देखते होंगे कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में एक ना एक ऐसा लोंडा होगा जो लगातार अपना फैट जो है ऑल ओवर बॉडी फैट कम कर लेता है और उसके वेट लॉस करने से या फैट लॉस करने से हमें डायरेक्ट क्या दिखता है, उसका फेस। हमें फर्स्ट क्या नोटिस होता है, उसका फेस। हम बोलते हैं भाई तू तो देख, तू तो पतला हो गया, तेरा फेस कितना पतला हो गया। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक पतला फेस, एक फेस फैट अगर किसी इंसान का कम हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है किसी पल्फी फेस से, पफी पफी सा मोटा सा फेस होता है। तो फर्स्ट टिप है आपको ऑल ओवर बॉडी फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए मेरी बहुत सारी वीडियोस है, वो आप जाके देख सकते हो। सेकंड टिप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो आप लोगों के लिए, वो है कि आपको सोडियम इनटेक कम करनी पड़ेगी। सोडियम कोई गलत चीज नहीं है, सोडियम मैं बात कर रहा हूं नमक की, सोडियम कोई गलत चीज नहीं है। बट आप देखो कि आप सोडियम इंटेक कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप फ्राई फूड खा रहे हो, अगर आप कोई तली हुई चीज खा रहे हो, अगर आप बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, डाइट कोक पी रहे हो, बहुत सारी चीजें जिनमें सोडियम भरा पड़ा है, होगा क्या, आपका फेस फैट कभी भी कम नहीं हो पाएगा। थर्ड टिप जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ये थोड़ी साइकोलॉजिकल टिप है। आप सोच के देखो, अगर आप बियर्ड रखते हो और अगर आपकी बियर्ड इधर उधर फैली हुई है तो आपको उसके उस शेव करना पड़ेगा, नहीं तो परफेक्ट ट्रिम करके रखे। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मेरी बियर्ड पूरी ग्रोन हो जाती है, पूरी एक परफेक्ट शेप में आ जाती है, तो मेरा जो ये फेस है ये थोड़ा मोटा दिखने लगता है, जस्ट बिकॉज मेरे फेस पर एक टेक्स्चर आ जाता है वो बियर्ड का। तो अभी मेरे फेस पर बियर्ड नहीं है तो मेरा फेस बिल्कुल पतला दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है और लगता नहीं कि मेरे फेस पे थोड़ा सा भी फैट है। तो आप ट्राई करें कि जितना हो सके अपनी बियर्ड को ट्रिम करें या शेव करें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा एक फेस फैट कम करने में या आपको अट्रैक्टिव जो लाइन चाहिए। टिप नंबर 4 जो कि बहुत जरूरी है, देखो होता क्या है, आपकी ऑल ओवर लुक एक न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड नहीं होती है कि आप खा क्या रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर मैं अपने बालों को नीचे की तरफ कर लूं या साइड की तरफ कर लूं तो जो मेरी ये जो आपको जो विजुअल आ रहा है, आपको जो दिख रहा है, जो मेरा फेस बिल्कुल वी की तरफ आ रहा है और मेरे बाल ऊपर है तो आपको लग रहा है मेरा फेस बिल्कुल पतला है। अगर मैं अपने बालों को साइड कर लूंगा तो आप खुद देख लेना अपने बालों को करके, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल, आपका फेस मोटा लगने लगेगा। तो जितना हो सके साइड से अपने बालों को कट रखें, इससे होता क्या है आपकी एक फिनिशिंग आती है, ओवरऑल लुक आपकी अट्रैक्टिव लगती है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ टिप है वो आपको अपनी ग्रूमिंग में बहुत हेल्प करनी पड़ेगी, अपनी ग्रूमिंग को चेंज करना पड़ेगा और एक अच्छा करना पड़ेगा। फिफ्थ एंड लास्ट टिप जो कि बहुत जरूरी है कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना जरूरी है। अगर आप पूरे दिन में डिहाइड्रेशन हो जाते हो, डिहाइड्रेशन कैसे पता लगाए, सूसू जाए, अगर येलो आ रहा है तो आप डिहाइड्रेटेड हो। तो ट्राई करें जितना हो सके आप पूरे दिन में हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड से होता क्या है, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो जितना आपको पीना चाहिए, लगा लो आप 4 से 6 लीटर पानी नहीं पी रहे हो, तो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करके रखती है सोडियम की तरह। अगर आप सोडियम मतलब नमक ज़्यादा ले रहे हो फ्राइड फूड से तो आपकी बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है। ऐसे ही अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो किसी भी चीज़ में आपका फैट लॉस हो या कुछ भी आपको करना है तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जितना आप कम पानी पियोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी आपका वाटर होल्ड करेगी, जो बॉडी का वाटर होता है। तो पानी पियो और आपकी बॉडी लगातार उसे फ्लश करती रहेगी।
तो ये है वो 5 टिप्स, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस टिप्स इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका या फेस फैट की प्रॉब्लम हो या आपको एक अट्रैक्टिव जो लाइन चाहिए हो वो आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है, और साथ साथ घंटे को जरूर दबाए, तभी आपको मेरी वीडियो अपने आप स्क्रीन में पता चलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मैं अपनी पूरी लाइफ की डेली अपडेट डालता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, रोहित खत्री फिटनेस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड पीस, नॉट पीस किड्स।